हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे फार्मेसी सेशन में। और आप मेरी सभी यूट्यूब वीडियोस को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके सामने, मैरिज लाइन, विवाह रेखा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि मैंने जो है फिगर के अंदर कई चीजों को मार्क किया है, मैरिज लाइन्स को मार्क किया है 1 और 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 और 2 जैसे किसी इंसान के हाथ में मैरिज लाइन स्ट्रेट होती है, यानी कि 1 नंबर होती है, या फिर मैरिज की लाइन नीचे झुक जाती है 2, तो इनसे उस इंसान की जिंदगी में क्या फर्क आएगा, क्या प्रभाव होगा उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुखमय रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैरिज में किन किन ग्रहों का रोल होता है, किन चीजों का रोल होता है, उसके बारे में आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले तो गुरु की बात करेंगे। गुरु जो होता है वो इंसान को पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो गुरु का बहुत अहम रोल होता है मैरिज में। यानी अगर गुरु अच्छा होगा तो इंसान की जो मैरिड लाइफ होगी वो अच्छी होगी, उसका अपनी वाइफ से तालमेल अच्छा बैठेगा, अपने ससुराल में अपना तालमेल अच्छा बैठेगा, अच्छी सास ससुर से बनेगी, बढ़िया रहेगा और एक सुखमय जीवन होगा, खुशहाल जीवन होगा। गुरु जो होता है वो पालन, गुरु के जो स्वामी होते हैं वो विष्णु जी होते हैं जो पालनकर्ता होते हैं, तो डेफिनेटली गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा होने के लिए गुरु का स्ट्रांग होना सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, वीनस को देखिए, गुरु शुक्र के अकाउंट को देखिए। शुक्र जो होता है वो भी मैनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वीनस अच्छा होगा तो इंसान को क्या लग्जरी मिलेगी, उसको सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसका एंजॉयमेंट की, एंटरटेनमेंट की और बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौके मिलेंगे कि इंसान एंजॉय करे लाइफ को, बढ़िया तरीके से घूमे फिरे वाइफ के साथ, बच्चे के साथ घूमे फिरे, एंजॉय करें। तो ये सब चीजें हमें वीनस के माउंट से दिखती हैं, यानी शुक्र के एरिया से दिखती है हमको। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ अच्छी होगी, उसमें सुख सुविधाएं रहेंगी, पैसा भी मिलेगा इंसान को, पैसा आएगा तो अच्छा रहेगा, सुखमय रहेगा वैवाहिक जीवन। थर्ड नंबर चीज, लक लाइन को हम देखते हैं, भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, भाग्य रेखा तो हर जगह काम आती है, चाहे हम जॉब की बात करें, मैरिज की बात करें, बच्चों की बात करें, या हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बात करें, गाड़ी खरीदने की बात करें, या किसी भी टाइप की चीज की हम बात करें, बिजनेस की बात करें, तो हमें लक लाइन को देखना पड़ता है। क्योंकि भाग्य अगर नहीं होगा तो इंसान को स्ट्रगल रहेगा हर चीज में, अगर भाग्य होगा तो इंसान को सहूलियत मिलेगी, इंसान को फायदा मिलेगा, ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड मिलेंगी उसको, हर आपको अचीव करने में और चीजों को प्राप्त करने में। तो लक लाइन जो होती है वो इंसान की बताते कि इंसान कितनी चीजों को प्राप्त करेगा, कितना इजीली प्राप्त करेगा। तो लक लाइन एक सहायक होती है इंसान की जिंदगी में उसको चीजों को प्राप्त करने में। तो लक लाइन अगर अच्छी रहेगी तो इंसान का जो मैरिड लाइफ होगी वो अच्छी रहेगी, सुखमय रहेगी। चौथी जो लाइन होती है, वो चौथा जो इफेक्ट होता है वो राहु का इफेक्ट हम देखते हैं, राहु की लाइंस देखते हैं कि पाम में कितनी है। अगर राहु की लाइंस अगर पाम में बहुत ज्यादा है, राहु का इफेक्ट ज्यादा है, तो डेफिनेटली सीधा सीधा मैरिज पे इफेक्ट आएगा, यानी कि मैरिज में आने में, मैरिज को सक्सेसफुल होने में दिक्कत होगी। यानी अगर राहु का इफेक्ट ज्यादा होगा तो बहुत झगड़े वगैरह होंगे, बहुत लड़ाइयां होंगी, डिफरेंस इन ओपिनियन रहेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, जो हस्बैंड और वाइफ है वो दूर रहेंगे, एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे, अलगाव रहेगा, ठीक है ना। तो डाइवोर्स भी करवा सकता है राहु, तो इस तरह की चीजें आती है अगर राहु की लाइन ज्यादा होती है। जितना कम राहु का इफेक्ट होगा उतना इंसान का मैरिड लाइफ सुखमय होगी, उतनी दिक्कतें कम रहेंगी, क्योंकि राहु नेगेटिव एनर्जी देता है किसी भी चीज में, कोई भी चीज होगी तो उसमें नेगेटिव एनर्जी देने का काम राहु करता है, ठीक है। तो राहु को हम देखेंगे। पांचवा नंबर हम मैरिज की लाइन को देखेंगे, यानी मैरिज की लाइन कैसी है, स्ट्रेट है या झुकी हुई है, किस टाइप की मैरिज लाइन है, ब्रेक है या उसमें कोई आइलैंड आ रहा है या उसमें कोई मोल का निशान आ रहा है, तो उससे हम मैरिज की लाइन को जज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी पहले मैं 1 नंबर मैरिज लाइन की बात करूंगा। अगर मैरिज लाइन स्ट्रेट है एकदम, तो बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि ऐसी जो मैरिज लाइन होती है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, यानी कि इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, सुखमय रहेगा वैवाहिक जीवन, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और तालमेल अच्छा बैठेगा, अच्छी केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ के बीच में रहेगी और मैरिज कंटिन्यू रहेगी, कोई डाइवर्स नहीं होगा। अगर गुरु का अमाउंट भी अच्छा है, वीनस का अमाउंट अच्छा है, लक लाइन भी सही है और राहु का इफेक्ट नहीं है, तो बेस्ट मैरिज लाइन होगी, यानी मैरिज एकदम बेस्ट होगी, उस इंसान की जिंदगी में सुखी सुख रहेगा और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, वाइफ का सपोर्ट मिलेगा उसको, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लक लाइन अगर चंद्रमा के क्षेत्र से निकलेगी और शनि पर्वत पर जाएगी तो इंसान की लव मैरिज होती है, तो लव मैरिज होने की पूरी पूरी चांस होती है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड केस की बात करूंगा, अगर मैरिज की लाइन नीचे झुक गई, अगर वो नीचे चली गई, बेंट हो गई हार्ड लाइन की तरफ, तो यानी कि इंसान को डाइवर्स की संभावना रहती है, यानी कि इंसान का डाइवर्स हो जाएगा, इंसान का जो है तालमेल नहीं बैठेगा अपनी वाइफ के, जो भी अपने पार्टनर के साथ में, और डिफरेंस इन ओपिनियन रहेंगे, जिससे डाइवर्स हो जाएगा। अगर गुरु स्ट्रांग है, राहु की लाइन है, वीनस का माउंट भी अगर सही है, लक लाइन भी ठीक है, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस देंगे कि इंसान का डाइवर्स होगा, फाइनली वो इंसान का डाइवर्स ही होगा, क्योंकि मैरिज के लिए नीचे चली गई है। अगर बाकी चीजों की स्थिति अगर खराब होगी, जैसे गुरु का अमाउंट अच्छा नहीं है, राहु का इफेक्ट है, तो बहुत ज्यादा परेशानियां रहेगी मैरिड लाइफ में और बहुत जल्दी डाइवर्स होगा।
ठीक है ना। तो ये चीजें नजर आती है, नंबर वन मैरिज लाइन से, नंबर टू मैरिज लाइन से। तो हमको क्या है कि रेमेडीज करनी चाहिए, हमको ग्रहों की रेमेडी करनी चाहिए ताकि हमारी जो चीजें हैं वो ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, मैं फिर प्रस्तुत होता हूँ दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।